हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड। सो आज हम लोग एफए का सिक्स्थ क्वेश्चन करने वाले हैं, फीफो एंड वेटेज। बट इसमें इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फीफो करेंगे। सो नाउ हम लोग क्या क्या दिया हुआ देखते हैं। क्वेश्चन में हम लोग ऊपर ओपनिंग दिया हुआ है 12,000 टॉयज ऑफ 3 पर टॉय, सेल्स है परचेज है सेल्स। बस इस क्वेश्चन में एक छोटा ट्विस्ट है कि हर दो बार परचेस किया हम लोगों ने, दोनों बार हम लोगों को क्या ये इनवर्ट भरने को बोला है, मीन्स उन लोगों ने भरा है। तो 10,000 टॉयज जब वो लोग खरीदने गए थे, परचेस किया था, तो उन लोगों को क्या ये इनवर्ट कितना 1,000 भरना पड़ा था, रुपीज़ 1,000 किस पे, 10,000 टॉयज पे। तो एक टॉय पे कितना होगा इफ़ हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। और फिर उसको एक टॉय पे कितना है वो प्राइस को हम लोग जो हमारा प्राइस है 15 उससे प्लस कर देंगे। ओके, सो विल मूव डायरेक्टली। सो मैंने इधर बना दिया है अपना कॉलम्स एंड ऑल। सो पहले हमारा क्या है, पहले ये 2013 का है पूरा। ओके 2013, का और क्या बोला है, हिज परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स। तो मीन्स सिर्फ 6 महीने के लिए। तो ओपनिंग क्या होगा हमारा, इधर 22 जुलाई से लोग चालू किए, तो हम लोग 1 जुलाई से चालू करेंगे ओपनिंग हमारा। ओपनिंग कितना बोला है, 12,000 यूनिट्स 3 पर टॉय। तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000 3 विच विल बी 36,000। ओके ओपनिंग 1 जुलाई होगा, 22 जुलाई सेल्स। सो 22 जुलाई सेल्स करेंगे कितना, 5,000 टॉयज का है। सो यहाँ पे आएगा 5,000, प्राइस हमारा 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 15,000। सो अब हमारे पास कितना बचा, 36 36,000 माइनस बाय 15,000 21,000 अब हमारे पास प्राइस बचे हुए हैं, बिकॉज हम लोग इसी में से बेचा है ना। हमारा प्राइस भी 3 आएगा एंड ये हो जाएगा 7,000। ओके नाउ आफ्टर 22 जुलाई के बाद क्या है, 23 जुलाई परचेस, 23 जुलाई परचेस, परचेस ऑफ कितना, 10,000 टॉयज। पर क्वेश्चन में क्या बोला, 1,000, क्या ये जिनवर कितना भरना पड़ा है हम लोग को, 1,000 कितने टॉयज पे, 10,000 टॉयज पे। सो ये हो जाएगा 0.1 अपना। इसको हम लोग किससे प्लस करेंगे, हमारा जो पर टॉय का प्राइस है 15 से, तो ये हो जाएगा हमारा 15.1। कहीं पे भी कैरियर जिनवर्ड आया है ना परचेज के साथ, ऑफकोर्स कैरियर जिनवर्ड आता है, मीन्स कहीं पे भी आ सकता है कोई भी क्वेश्चन में। तो उस टाइम ऐसे अगर फीफा एंड वेटेज का पार्ट है तो उसमें ऐसे आप प्लस कर सकते हो। ओके सो इसका आप प्राइस देखते हैं, 10,000 इंटू 15.1 विच विल बी 1,51,000। इसको बैलेंस में कैसे लिखेंगे, पहले ये सेम एज इट इज कॉपी करेंगे, 7,000 3 प्राइस, 21,000 इज द अमाउंट। अभी हमने कितना खरीदा, 10,000, प्राइस है 15.1, अमाउंट क्या है 1,51,000। ओके सो नाउ ये कितना हुआ, मैं 23 जुलाई, आफ्टर 23 वी हैव 25th अक्टूबर, सॉरी इसके लिए 25th अक्टूबर सेल्स। सो 25th अक्टूबर सेल्स, हम लोग यूनिट देखते कितना है, 8,000 यूनिट है। सो 8,000 इधर, बट हमारे पास स्टार्टिंग में अभी पहले स्टॉक का हमारे पास सिर्फ 7,000 यूनिट है, तो हम लोग पहले 7,000 बेचेंगे, फिर इसमें से हम लोग
1000 बेच देंगे तो हमारा हो जाएगा 8000, इसका प्राइस होगा 3, इसका होगा 15.1, ये हो जाएगा 15,100 एंड ये हो जाएगा 21,000। तो अब हमारे पास कितना बचा, 9,000 यूनिट, 15.1 प्राइस है, माइनस 15,100, 1,35,900। इफ अगर आपको नहीं समझ में, मैं बताती हूँ वापस, ये क्या था हमारा 1000 ना, ये हो गया 8000 ना, तो 1000 इंटू 15.1, 15,100, अभी भी नहीं समझ में, 9000 इंटू 15.1, 1,35,900, गॉट इट। सो आफ्टर 25th के बाद क्या है हमारे पास, 26th परचेस, 26th अक्टूबर परचेस, कितना 12,000 यूनिट्स। बट हम लोग को इसमें भी क्या बोला, 12,000 यूनिट्स पर लोगों 1200 रुपीस कैरेज इनवर्ट भरना पड़ा, 1200 रुपीस किस पे, 12,000 टॉयज पे, तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस किस पे, 18 प्राइस है, प्लस 18 पे, तो ये हो जाएगा 18.1 हमारा हो जाएगा प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 18.1 तो हो जाएगा 2,17,200। इसको एज इट इज लिखेंगे हम लोग, पहले जो 9000 है उसको कॉपी करेंगे, 9000, 15.1, 1,35,900। अभी हम लोग कितना खरीदा, 12,000, प्राइस का 18.1, अमाउंट के 2,17,200, ओके। सो ये क्या था हमारा 26th अक्टूबर, 26th अक्टूबर के बाद 31st दिसंबर सेल्स है, 31st दिसंबर सेल्स कितने यूनिट है, 13,000, हम लोग को सिर्फ यूनिट चाहिए, कितने 13,000, प्राइस हम लोग ऐसा नहीं कुछ भी लगा लेंगे, बट 13,000 के लिए भी हम लोग कितना अलग अलग बेचना पड़ेगा, तो प्राइस को 9,000 प्राइस के हमारे 15.1, 1,35,900, इसमें हम लोग प्लस 4,000 कर देंगे तो हमारा 13,000 हो जाएगा, प्राइस क्या आएगा 18.1, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4,000 इंटू 18.1 तो क्या हुआ, 72,400, ओके। अब माइनस बाय किस में से माइनस करेंगे, 2,17,200 में से, विच विल बी अभी हमारे पास कितना बचा है, 1,44,800, प्राइस क्या है 18.1, ये कितना होगा 8,000 यूनिट्स, ओके। सो अब हमारे पास कितना बचा है, हमारे यूनिट कितने बचे, हमारे पास 8,000 यूनिट बचे, 18.1 प्राइस है उसका, और 1,44,800 क्या था हमारा अमाउंट है। सो लास्ट में एक छोटा सा सेंटेंस, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st December 2013 is 8,000 units at the rate of 18.1, which is 1,44,800 rupees. ये sentence हम लोग ने क्यों लिखा? Because you can see question में क्या बोला है? You are required to ascertain क्या cost of stock on hand. जो हमारे पास स्टॉक है उसका कॉस्ट क्या है? सो ये हमारे पास इतना यूनिट है, ये उसका कॉस्ट है और ये उसका फुल अमाउंट है। सो हमारा सम इधर सॉल्व हो चुका है। चेक द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।